आपका संसद में हो रहे हो हंगामे के बीच हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने बात की सुब्रमण्यम स्वामी से। धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोनम स्वामी साहब। सोनम स्वामी साहब, जिस तरह से मुद्दा गरमाया, विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जब सत्ता में आती है तो इस तरह कार्रवाई। सत्ता में आए ना आए, ऐसी कार्रवाई तो करना ही है, क्योंकि कोई कानून में बाधा तो नहीं है। जो धर्म परिवर्तन करने चाहते हैं उनका पूरा अधिकार है और उसमें हम सहयोग बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें धर्मांतर करनी चाहिए। हाँ, ये चंद प्रांतों में कानून है कि रिश्वत देकर या कोई लोभ दिखाकर परिवर्तन करना अवैध है, पर उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन लोग करते हैं, उसमें जितना भी आरोप लगाते रहते हैं मीडिया में, लेकिन कोई ठोस नहीं है। उनका FIR देख लीजिए, उन्होंने कोई रिश्वत की बात ही नहीं की थी। लेकिन एक धर्म जागरण मंच है, उसके हवाले से खबर आई है कि उन्होंने रेट तय किया है कि मुस्लिम से अगर जो हिंदू में आता है 5 लाख, क्रिश्चियन से हिंदू में 2 लाख। जो लोग कर रहे हैं वो है विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख पदाधिकारीगण, उन्होंने तो ऐसा कभी कहा नहीं और ऐसा कोई सबूत दिया नहीं। ऐसे किसी के पास है तो वो जाकर पुलिस में FIR दर्ज कराएं। आज तक एक ही FIR दर्ज हुआ है, उसमें यह है कि दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करने की बात है, बस इतना ही है। स्वामी साहब, आपने बाबरी मस्जिद के बारे में एक बड़ा बयान दिया है, उसमें कहा है कि 2016 तक जो है इसे सोल्व कर लिया, क्या फॉर्मूला? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि मस्जिद जो है वो धार्मिक स्थल नहीं है। ये सऊदी अरेबिया के सारे जो वहाँ धर्मगुरु हैं उन्होंने, उनकी राय है। सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते रहते हैं, पाकिस्तान में भी तोड़ते हैं, अनेक अरब देशों में तोड़ते हैं। हमारे देश में भी हम नहीं कहते हैं कि कोई अपने हाथ में कानून ले लें और अपने मनमानी करके किसी मस्जिद को तोड़ दें, ये नहीं कर। पर सरकार को तो अधिकार है कि वो मुतवाली को एक नोटिस दे दें कि भाई हम यहाँ मंदिर बनाने चाहते हैं और आपके लिए दूसरा जगह दे देंगे, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं वैसे हम हमारे देश में कर सकते हैं। और ये तो करना है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि मेजॉरिटी नहीं है, इसीलिए अभी तक कर नहीं सके। अब मेजॉरिटी आ गई है तो करना है। राम मंदिर कब तक आपको दिखाई देगा? मैं तो चाहता हूं कि 2016 से शुरू कर देना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को लिखी है एक चिट्ठी जिसमें मैंने कदम बताई है कि कौन सा पहला कदम लेना चाहिए, कौन सा दूसरा कदम लेना चाहिए, और उसके अनुसार चलेंगे तो ये 2016 में 6 महीने के अंदर हो सकता है। राम मंदिर 2016 में हकीकत में तब्दील हो जाएगा? मैं तो वो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उस अधिकृत जगह में नहीं हूँ जिसमें मैं कह सकता हूँ, परंतु आज मैं इतना कहूँगा कि यह है मांग है और पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है, पब्लिक की मांग है। और एक बड़ी अन्याय हुई हमारे देश में, खासतौर पर तीन जगह पर हिंदू दुखी है। एक है कृष्णा मंदिर, दूसरा है अयोध्या के राम मंदिर और तीसरा है काशी विश्वनाथ। इन तीनों में हमें मंदिर दोबारा बनाना चाहिए। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोनम स्वामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां तक अयोध्या में राम मंदिर का सवाल है तो वे मानते हैं कि 2016 में उस पर काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है।